आज जो भीमराव अंबेडकर साहब की प्रचर्चा की जरूरत, हर प्रखंड हर गांव अनुमंडल से हम लोग शुरू किए हैं, जिला से शुरू किए हैं, प्रखंड में आए हैं और आने वाला जो समय है वो आपके गांव तक जाएंगे, आपके गांव तक चल करके और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग सोचते होंगे कि इसकी जरूरत क्या है, हम लोगों के नेता, जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के मन में एक विचार आया कि हमारे लोग कुछ भी कुछ मीडिया के बेईमान जो लोग हैं हमारे नेता की आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहती है, आप लोगों तक उसको रोकने का काम कर रही है आवाज को, तो हमारे नेता प्रदेश के देश के जितने भी सदस्य थे सब लोगों को बुलाए और बोले कि जो मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है, हम लोगों की आवाज को वहां पहुंचने नहीं देना चाहता है और वो लोग जो झूठ बोलते हैं उसको बार बार दिखा करके उसको सच साबित करना चाहता है। बहुत चिंतित हुए तब एक बैठक बुलाई और कहा कि बिहार के जितने भी प्रमंडल हैं सभी प्रमंडलों में जाए, प्रमंडल की जब चर्चा खत्म हो जाए तो प्रखंड में जाए और प्रखंड में जब खत्म हो जाए तो बीजे परिचर्चा आप लोगों के गांव में चौपाल लगाकर हम लोग करने का काम करेंगे। आज आप पूछिएगा इसकी जरूरत क्या है साथियों, जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो हमारा संविधान है जिससे देश चल रहा था उसमें बदलाव चाहते थे और इतना बड़ा बदलाव चाहते हैं कि जो संविधान के तहत हम लोगों को जो अधिकार मिला है, जो हमारी माताएं यहाँ बैठी है कुर्सी पर, उनको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी और ये फिर से उस मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। मनुस्मृति क्या है पहले इन बातों को समझना होगा। मनुस्मृति में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है, उसके नीचे दलित है, तो वो मनुस्मृति ये है। और जो बाबा साहब ने संविधान की संरचना की है वो गैर बराबरी का है, ब्राह्मण यहाँ जो दलित है वो एक सीढ़ी आगे चलेगा, शूद्र है उससे आगे बढ़ेगा और जो वैश्य है उससे आगे बढ़ेगा। तो ये गैर बराबरी का संविधान बाबा साहब ने निर्माण करके और इस देश को चलाने का काम किया है। ये मनुवादी जो अभी कानून बनाना चाहते हैं जिसमें महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं, मनुस्मृति में क्या है, महिलाओं को पैसा रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को उसके पति अगर कहेंगे कि दूसरे वर्ग के साथ तुमको जाना पड़े तो वो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में आपको महिलाओं को जो अधिकार है वो सब बाबा साहब के संविधान से अलग करना चाहता है। आज जो आप लोग बैठे हैं आप बताएंगे कि ये बेईमान जो वादा किया आपसे, जो 2019 के चुनाव में वादा किया, क्या एक भी वादा ये लोग पूरा किए? कोई वादा नहीं पूरा किए हैं। आप बताइए, उधर से एक महिला आई, आइए तो इधर आइए, आइए आइए, एक महिला को भेजिए, देखो महिला को भेजिए, वही हम बताएंगे ना, क्योंकि हमारी आधी आबादी हमारे देश के महिलाओं की भी है, उनकी भी भागीदारी जो है हमारे समाज में, हमारे राज्य के योगदान में, हमारे राजनेताओं को जिताने में का योगदान रहता है। आइए अब आओ लजावत लजावत सब चलने पड़े यहाँ से, नहीं यहाँ खड़े
15 लाख रुपया देने के बाद आप कौन मोदी जी त्रिपुरा में चुनाव में वादा किया था ना 15 लाख रुपया हर गरीब के खाता में देंगे मिला नहीं मिला ना आप बताए अनाज कितना मिला होगा अनाज 4 किलो कौन सा मिला होगा 3 किलो चावल 1 किलो गेहूँ ओकरा से परिवार में इतने भी चल जाओ ये जो अनाज लेती है और जाएगा ना ये जो अनाज लेती है आप क्या करने देता है सर क्या सोच के लेती है आप तो पेट में भरेगा फिर कहाँ लाएगा इतना नौ अनाज लेती है ये जो 3 किलो में पूरा महीना खा लेती है जोर से बोलिए नहीं सर अब यही समझ लीजिए कि ये बेईमान लोग मैं ये यहाँ पर लिया ये बेईमान लोग अनाज का लालच देकर के देश भर में हिंदू मुसलमान कर करके बाबा साहब के संविधान को इसलिए भी मिटाया जा रहा है कि जब सब बाबा साहब का संविधान रहेगा तो ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे ये अपने हक और हुकूम की बात करेंगे। अब बताइए कि ये महिला जो है उनसे मैं पूछा हूँ कि 15 लाख रुपया मिला तो ये बोलते हैं कि ना मिल लो तो इधर तुम जरा खड़ा हो जाएगा तो घुसना जरूर दिया साथियों
जैसे ही मंदिर से वो निकले तो जो मनुवादी जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग थे उस मंदिर को धुलवाने का काम किया। समझ लीजिए छुआछूत जब मुख्यमंत्री के साथ कर सकता है तो हमारा और आपका अर्थ क्या करेगा, इसको समझने की जरूरत है। और अपने गांव में अपने समाज के लोगों के बीच जाकर के ये बताने की जरूरत है कि जो बाबा साहब का संविधान था उसके तहत हम लोगों को आजादी थी, जब ये मेहमान मनुस्मृति लागू कर देंगे तो आपकी सारी आजादी छीन ले जाएंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब इस संविधान के तहत गरीब वंचित समाज को आवाज देने का काम किया तब इनको दर्द होने लगा। दर्द ऐसा हुआ, दर्द ऐसा हुआ कि दूसरे पर ये लोग साजिश करने लगे, ऐसा साजिश किए कि उनको चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया। हमारे नेता आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज जेल के सलाखों के पीछे है और उनका यह बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव उस लड़ाई को उठा लिया है जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने सोचा, उनका सपना था, जब देव बाबू का सपना था। उन्होंने कहा कि मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा लेकिन गरीब वंचित पिछड़ों की आवाज मैं दबने नहीं दूंगा, मैं कायम तभी तबाह हो जाऊं, मैं सूली पर चढ़ जाऊं लेकिन वंचितों की आवाज जो रोकना चाहेगा उसके सामने मैं चट्टान की तरह खड़ा हो जाऊंगा। और आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। साथियों आज मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज जब दो पिछड़ा समाज का बेटा एक साथ इकट्ठा हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव आदरणीय नीतीश कुमार, तो इन लोगों को ऐसा नागवार गुजरा कि साजिश पर साजिश रचने का काम शुरू किया। और रोज ईडी सीबीआई इनके पीछे लगाना शुरू कर दिया। तो अब बताइए कि वोट हमारा ही लेकर के हमारे लोगों को कितना परेशान कर रहा है, और वोट की ताकत किनके पास है, वो आपके पास है, और आपका वोट लेकर के ही आपके लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों अभी हाल के दिनों में एक बाबा है, तो पटना के बगल में लौरनपुर एक जगह है, तो बाबा ने सही मंच पर चढ़ता है क्या करता है, बोलता है अपने संबोधन में कि क्या हाल है बिहार के पागलों, बताइए हमारे धरती पर आकर के हमको पागल बोलता है, हमको गाली बक करके चला जा रहा है, और हमारा जो समाज है उसके पीछे पीछे थपड़ी बजा करके घूम रहा है। तो थपड़ी बजा करके घूम करके दिन भर धूप में हमारी महिलाओं को हमारे बच्चों को बनाता है, अब रात के अंधेरे में अपने कुछ जो जाति और जमात के लोग हैं उनसे रात भर उनका दरबार लगाता है। तो दो तरह का दरबार आज भी हो रहा है। तो मैं आपको सतर्क करने आया हूँ, समझाने आया हूँ कि इन परिवार लोगों से इन परिवार लोगों के झांसे में नहीं आने का। ये फिर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आज कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप बताइए कि जो आजादी गांधी जी ने लड़ी, जो आजादी सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी,
जो आजादी हमारे मुस्लिम भाई जो उनके नेता थे उनकी कुर्बानी को भी इन लोग मिटाने का काम करेगा। जब आजादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर के लड़े थे तो ये भी कैसा देश बनाना चाहता है जो आज हमारे देश में अमन चैन है उसको छीनने का प्रयास करेंगे, हिंदू मुसलमान कराने का काम करेंगे। इससे भी आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज बताइए कि पुलवामा में जो हमारे फौज के जवान मारे गए थे उसके लिए दोषी कौन था? अभी खुलासा हुआ होगा, पब्लिक के बीच में आया है, आप लोगों के बीच में भी आया होगा। उस समय के महामहिम राज्यपाल जो जम्मू एंड कश्मीर के थे वो बोले कि जो सेना के जवान मारे गए थे उनको रोका भी जा सकता था, उनको बचाया भी जा सकता था। जब आपके पास साधन संसाधन सब था, आपके पास इंटेलिजेंस था, आपके पास खुफिया विभाग था,